सबसे पहले हम लोग को पिक्सआर्ट में जाना है और फिर स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑल फोटोज़ में आएंगे। और देखो यहाँ से हम लोग का फ़ोटो चूज़ करना है जिसका कि हम लोग को बैकग्राउंड रिमूव करना है। फर्स्ट प्रोसेस हम लोग का बैकग्राउंड रिमूव आता है, जिसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका है। वो वीडियो आप लोग चेकआउट कर लेना, आप लोग को बहुत ईजिली समझ में आएगा। देखो ये फ़ोटो मैंने चूज़ किया और मैनिपुलेशन का सूट कैसे होता है वो भी बता दिया। ड्रॉ टूल में जाना, लेयर्स में जाना, खुद का लेयर सेलेक्ट करना, लेयर ऑफ कर लेना। इरेजर में इरेजर का साइज़ अपने अकॉर्डिंग ऊपर करके हार्डनेस देख लेना, फुल रहेगा ओपेसिटी फुल रहेगा और साइज़ अपने अकॉर्डिंग। और फिर डबल क्लिक करके यहाँ बंद कर लेना इसको ताकि प्रॉब्लम ना आए। और इस टाइप से बैकग्राउंड रिमूव करना और परफेक्ट रिमूव करना, जितना परफेक्ट रिमूव होगा उतना बेटर एडिट होगा। सो आप लोग ये थोड़ा टाइम लेके करना, मैं कर रखा हूँ पहले से ही। सो उसी को मैं कर ले रहा हूँ ऐड, अभी इसको पूरा बैक कर रहा है। आप लोग टाइम लेके करना। सो ये PNG है और इसको ऐड कर लेंगे, ये बैकग्राउंड मतलब क्या है, और इसको ऐड कर लेंगे। यार बैकग्राउंड और PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ ज्वाइन होकर आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो। यार बहुत इजी है, वहाँ से बहुत सारा PNG मैंने पहले दे रखा है। तो देखो ऐड कर लेते इसको, देखो ऐड करेंगे अच्छा से फिक्स करेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स और इरेजर में जाएंगे और देखो यहाँ से इरेजर में कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि ये देखो यहाँ थोड़ा बच गया है तो इसको सॉल्व करेंगे यार हम लोग। देखो इरेजर में लेके सॉल्व हो गया, इतना ही था। और हेयर्स का वाइट मास्किंग है सो वो तो मैनेज हो जाएगा, टिक कर देंगे। अब ये सेट हो गया, अब टिक कर देंगे। और फेस भी स्मूथ कर रखा हूँ, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो, आप लोग वो भी वीडियो चेकआउट कर लेना, सो आप लोगों को पता लग जाएगा। और देखो यहाँ से अब कुछ ग्लो फार्मूला का PNG है, इसको ऐड कर लेते हैं अपने कॉपी पे। तो ये देखो ब्लैंक पेज है, अगर एडिट करोगे तो यार कोई भी बोलेगा कि यार क्या कर रहा है। सो कुछ ग्लोइंग इफेक्ट आना चाहिए फोटो में। सो ये देखो ग्लोइंग फार्मूला, अब लगेगा कि यार कुछ पढ़ रहा है, तो यार ब्लैंक कॉपी है ना मेरा, इसलिए आप लोग भी ऐड कर लेना है। और यार कमेंट में बताना किसको मैच पसंद है और किसको नहीं, जो हेटर्स के लिए भी ये एडिट है, लवर्स के लिए भी एडिट, दोनों के लिए यही है। आप लोग देख लेना इसको अच्छा लगता होगा, यार मोस्टली को तो अच्छा नहीं लगता होगा आई नो। सो यार देखो फार्मूलाज ज़्यादा ज़्यादा ही है इस कंसेप्ट में। सो फार्मूलाज का मेन काम कॉपी पे देखो इस टाइप से रख लेना। और फिर एक देखो ये ग्लोइंग PNG है, इसको ऐड कर लेंगे। देखो यार बहुत इजी होने वाला है एडिट ये, और हार्ड नहीं है कुछ, बहुत इजी है। इसको ब्लेंड में जाके स्क्रीन करना है हम लोग को। देखो यार स्क्रीन हो गया, अब इसको थोड़ा हैंड तक लाएंगे, रिम लाइट क्रिएट होगा सो बेस्ट लगेगा। देखो यार रिम लाइट क्रिएट हो रहा है, कितना बेस्ट लग रहा है। अभी तो कुछ नहीं यार, मैजिक होगा फाइनल हम लोग का लाइट रूम में अभी। देखो ये फार्मूला का जो एक फ्लाइंग फार्मूला है उसका PNG लेंगे और इसको यहाँ पे रख लेंगे कुछ अच्छे से, क्योंकि देखो यार इसमें मैथ्स का, तो मैथ्स का तो थोड़ा बड़ा वर्क यूज़ होगा ही PNG वगैरह। सो एड फोटो का ज़्यादा यूज़ इरेजर में जाएंगे। देखो यहाँ कॉर्नर कहीं कहीं है, इस PNG में कॉर्नर है, तो यार देखो कॉर्नर कैसे यूज़ कर लेंगे। हो गया मैच, टिक करेंगे, पूरा टिक करेंगे और सेव कर लेंगे गैलरी में। अब लाइट रूम में जाएंगे और ऐड फोटो में जाएंगे, और ये फ़ोटो जैसा कि ये एडिट हम लोग मैनिपुलेट किए, इसको ऐड कर लेते हम लोग। सो देखो फाइनल मैजिक आने वाला है। सो देखो ये फ़ोटो हमने ऐड कर लिया, ये फ़ोटो मैंने अभी मैनिपुलेट किया, इसको ऐड कर लिया। तो फर्स्टली ऑटो पे देख लेते यार, सही तो ऑटो सही लग रहा है, सो ऑटो रहने देते। कलर ग्रेड अब स्टार्ट हो गया गाइस, और फिर कलर में जाएंगे और पहले फेस का कलर बढ़ा देंगे, और थोड़ा येलो है, येलो का थोड़ा बढ़ा देंगे, ब्लू है यार ब्लू का, देखो लुमिनेंस इसको थोड़ा ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं सो बेस्ट लगेगा वो थोड़ा, क्योंकि थोड़ा डार्केस्ट रहेगा तो लाइटिंग इसमें है तो ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा लगेगा। डन कर देंगे। और देखो टेम्प है, टेम्प को माइनस साइड ले जाएंगे। सो देखो कितना बेस्ट फोटो यार, देखो सिंपल ट्रिक। और आपको प्रीसेट भी मिल जाएगा टेलीग्राम में, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो ग्रेडिंग में जाएंगे और कुछ टोन्स वगैरह देंगे अपने फ़ोटो में, जैसे कि ब्लू साइड रखेंगे थोड़ा, और इसको भी थोड़ा रखेंगे, इसको यही सही है, उतना ही रहने देते, इसको छेड़ते नहीं है। अब डिटेल्स में जाएंगे, शार्पनिंग बनाएंगे। और यार देखो मैं अभी जूम करके फ़ोटो आप लोग को दिखाऊंगा कि यार देखो कहाँ कलर प्रॉब्लम आ रहा है। और इफेक्ट्स में जाएंगे और विगिनेट ऐड करें थोड़ा,
मिड पॉइंट को भी कम करेंगे, फीदर को बढ़ा देंगे, राउंडनेस को घटा देंगे। अब देखो यार फोटो एडिट हो चुका है, सो देखो यार फोटो का क्वालिटी कहाँ कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं है गाइस। देखो बिफोर एंड आफ्टर कितना ज़्यादा डिफरेंट आ गया। सो गाइस यही था आज का मैनिपुलेशन। सो आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।